हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं आलू के पराठे बहुत ही सिंपल तरीके से। और ये पराठे खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमने 400 ग्राम आलू ले लिए हैं। इसको हमने उबाल कर और बारीक कर कर मैश कर लिया है। आलू को अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे, इसमें कोई भी गांठे ना रहें। और यहाँ पर हमने ये एक प्याज लिए, इसको बारीक कट कर लिया है। कुछ धनिया के पत्ते लिए हैं और 2 से 3 हरी मिर्च लिए हैं। सबको बारीक कट कर कर इसमें मिक्स कर देंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। और ये हमने जीरा पाउडर लिया है 1/2 चम्मच। और यहाँ पर हमने ये 1 चम्मच चाट मसाला लिया है। और ये 1 चुटकी हींग लिए, ये भी इसी में डाल देंगे। और ये धनिया पाउडर लिया है हमने 1/2 चम्मच। और ये 1 चम्मच नमक मिला देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लें। और ये 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप मिर्च कम भी कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हाथ को हमने पहले अच्छे तरीके से धो लिया है, फिर हाथ की सहायता से ही इसको हम मिक्स करेंगे। चम्मच से अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो पाता है, इसलिए हम हाथ से मिक्स कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हमने आलू को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। देखिए, और ये यहाँ पर हमने आटा पहले ही लगा लिया है। आटे 2 कप आटा लिया था हमने, और इसमें 1 चम्मच नमक डालकर और 1/2 चम्मच अजवाइन डालकर हमने सॉफ्ट आटा लगा लिया है पराठे के लिए। देखिए, पराठे के लिए हमें एकदम सॉफ्ट आटा चाहिए, जिससे कि जब हम इसमें आलू भरें तो पराठे हमारे फटे नहीं, इसलिए आटा एकदम सॉफ्ट लगाएं। तो चलिए अब इसके पराठे बनाते हैं। हाथ पे सूखा आटा लगाएंगे और इस तरीके से हम इसका एक पेड़ा बना लेंगे आटे का। ये लोई को हम अच्छे तरीके से पहले गोल कर लेंगे। अब हम इस तरीके से हाथ से थोड़ा लोई को बढ़ा लेंगे। देखिए, हमने लोई को बढ़ा लिया है। अब हम इसमें बीच में घी लगाएंगे। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, हम घी लगाएंगे आटे के बीच में। और अब इसमें हम ये आलू की स्टफिंग भरेंगे। देखिए, हाथ से अंदर की तरफ आलू को दबाते हुए इस तरीके से हम लोई में आलू को रख लेंगे। अगर आलू कम लगे तो आप आलू बढ़ा सकते हैं। और ये अब इसको हम बंद कर लेंगे। साइड के किनारे उठाते हुए हम इस तरीके से बंद कर लेंगे। और यहाँ पर इसको हल्का सा घुमा देंगे। हमने इसको अब दबा दिया है, इस तरीके से प्रेस कर दीजिए हाथ से। अब इसको हम सूखा आटा लगाकर बेलेंगे। देखिए, सूखा आटा लगा लिया है हमने। अब इसको हम बेलेंगे।
ये देखिए हम इसको इस तरीके से बेल लेंगे। पराठे को बहुत ही हल्के आँच से बेलना होता है आलू के पराठे को। देखिए ये हमें बाहर की साइड से अंदर की तरफ हमें बेलना होता है, जिससे कि पराठे फटे नहीं। बहुत ही हल्के हाथ से देखिए लोई को इस तरीके से घुमाते हुए हम बेल लेंगे चारों तरफ से। इस तरीके से पराठे बनाने से पराठे फटते भी नहीं हैं और आलू बहुत अच्छे से पूरे पराठे में इक्वल साइज में लग जाते हैं। देखिए पराठे को हमें थोड़ा मोटा ही रखना है, हमने इसको बेल कर तैयार कर लिया है। अब इसको हम सेकेंगे। ये देखिए हमने तवा ले लिया है, तवे को हमने गर्म करने के लिए रख दिया था, गैस ऑन कर दिए। पराठे को हम तवे पर डाल देंगे इस तरीके से। उसको मीडियम आंच पे हम सेकने देंगे। अब हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए हल्का सेक गया है पराठा, इसको हमने पलट लिया है। और देखिए यहाँ पर हमने ये बटर लिया है, ये घर में बनाया हुआ बटर है। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं या फिर घी भी लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप उसमें पराठे बना सकते हैं। अब बटर को हम अच्छे तरीके से पराठे पे लगा लेंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से हमने बटर को पराठे पे लगा दिया है चारों तरफ। इसको आप पलट देंगे और देखिए दूसरी तरफ से भी हल्का सेक गया है। अब इधर भी हम बटर लगा लेंगे। देखिए इसको भी चारों तरफ अच्छे तरीके से लगा लिया हमने, पराठे को पलट दिया है। उसको मीडियम आंच पे ही हम पराठे को अच्छे तरीके से सिकने देंगे। देखिए इस तरीके से हल्के हाथ से दबाते हुए पराठे को सेक लेंगे। देखिए इसको पलट लेंगे, पराठा एक साइड से सिक गया है। इसको दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से सेक लेंगे। देखिए इस तरीके से दबाते हुए पराठे को सेक लेंगे। अब पराठा सेक कर तैयार है देखिए। और ऐसे ही हम और भी पराठे बना लेंगे। ये देखिए हमने प्लेट में पराठे को लगा लिया है और इसके ऊपर हमने ये बटर लगा दिया है। आप चाहें तो किसी भी चीज़ के साथ पराठे को खा सकते हैं, दही के साथ, सॉस के साथ या चटनी के साथ। और देखिए पराठे खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, आप इस तरीके से पराठे बनाकर देखिए और खाइए। हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।